दमो क्या कर रही है किचन में? आप पूजा शाम का वक्त हो रहा था, क्यों ना चाय पिया जाए? तो बात ये चलो है। नेकी और पूछ हो जाए। तो मुझे जनरली मसाले चाय पीना पसंद है, तो तुम्हें पता ना मैं कैसा चाय पीती हूँ। जरूर बनाएंगे। तो दामिनी चाय बनाती है और देखते हैं हम कैसे बनाती है, इसकी रेसिपी आपके साथ हम शेयर करेंगे। ओके, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पे। तब मुझे विश्वास नहीं है कि तुझे मतलब कि पता है कि मैं कैसा चाय पीती हूँ, तुम्हें पता है मैं बनाऊँ या तुम बनाओगी? सच नहीं, मैं बनाऊंगी और मुझे इतना पता है कि तेरे से बेटर मैं बनाऊंगी। अच्छा मुझे बताओ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। सबसे पहले चाय बनाने के लिए हमें मिल्क, वाटर और चाय पत्ती, जो भी आप चाय पत्ती यूज करते हैं, कोई भी चाय पत्ती यूज कर सकते हैं। जिंजर लेना है, जिंजर के अलावा तेज पत्ता होना चाहिए, दालचीनी आप लोग को पता होगा, थोड़ा सा दालचीनी इसमें ऐड करते हैं। और इसमें हम चूँकि दो लोगों के लिए बना रहे हैं तो दो इलायची डालेंगे, और अगर आपको एक्स्ट्रा मतलब हार्ड चाय पसंद है तो आप इसमें लौंग भी ऐड कर सकते हैं। लौंग ऑप्शनल है, हम कभी कभी डालते हैं कभी नहीं डालते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जैगरी यूज़ करते हैं। मीठा यूज़ करने से क्या होता है कि ये आपका शुगर को कंट्रोल रखता है, तो इसका इफेक्ट नहीं होता सर्दी का। तो हम जनरली गुड़ वाली चाय बनाते हैं और गुड़ वाली ही चाय पीते हैं, बहुत यम लगता है, एक सोनी सोनी सी खुशबू भी आती है एंड फ्लेवर भी बहुत माइंड ब्लोइंग होता है। तो हम शुरू करें तब चाय। तो पतीले को लेना है, उसे गैस पे बिठाना है और बर्नर को ऑन करना है। सबसे पहले हमने इसमें एक कप पानी ऐड किया। तो ये दो लोगों की चाय बन रही है, तो एक कप पानी और एक कप दूध लेंगे हम। हम जनरली ज्यादा गाढ़ी चाय नहीं पीते हैं, वैसे पसंद नहीं आती मसाले वाली। वाटर और मिल्क की 1:1 या। और आप देख सकते हैं ये मैंने जिंजर लिया है, सो ग्रेटेड जिंजर लिया है हमने। अब पानी में थोड़ा सा जिंजर डालेंगे, आपको जितना पसंद है आप उतना डालना। हमने आई थिंक 1 इंच का जिंजर को ग्रेट किया है। ग्रेटेड जिंजर के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून चाय पत्ती। दामिनी ने लगता है ऑलमोस्ट 1 टीस्पून डाल दिया है, लगता है आज हमें ज़्यादा कड़क चाय पीने का मन है। तो अगर आपको ज़्यादा कड़क चाय पीने पसंद है तो आप 1 फुल टीस्पून डाल सकते हो, अदरवाइज 1/2 टीस्पून डाल सकते हो। दो लोगों के लिए मैं ये बता रही हूँ। इसमें डालने वाले हैं दालचीनी, ये देख सकते हो आप, ये 1/2 इंच होगी। तो आप देख सकते हो इसमें बहुत अच्छा कलर आ चुका है एंड चाय पत्ती की अच्छी सी कलर भी आ गई है। अगर आपके पास पाउडर्ड वाले दालचीनी है तो आप वो भी डाल सकते हो, हमारे पास स्टॉक ओवर हो गया है इसलिए हमने ये खड़ी दालचीनी डाल दी है। अगर आपको पसंद है तो आप काली मिर्च, लौंग ये सब भी डाल सकते हो। अब हम इसमें थोड़ा उबाल आने के बाद अब 1 कप दूध डालेंगे बिना गिराए। दामिनी ने देखो क्या किया, एज यूजुअल सी दामिनी ने फाइनली किचन काउंटर क्लीन कर दिया जो इसे डर्ट फैलाया था। अब हम इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे रख देंगे उबाल आने तक। अब दूध डाल दिया। पूजा हमने एक चीज और ऐड करना भूल गया, बोलो क्या? तेज पत्ते, बे लीव्स। करेक्ट, तो हम ये छोटे छोटे पत्ते ऐड कर रहे हैं। सो आप देख सकते हो। और हाँ, इलायची हम इसमें लास्ट में डालेंगे ताकि इलायची का सारा फ्लेवर डूब ना जाए। तो इसको अच्छे से बढ़िया से उबाल। आपने देखा ये अभी उबलने में से 5 से 10 मिनट टाइम है। सो तुम चाय के साथ साइड डिश क्या खिलाने वाली हो? तुम क्या खाने वाली हो, प्याज का पकौड़ा? नहीं, ऑलरेडी घर बैठे बैठे वेट गेन हो रहा है, सो हम जनरली ओट्स के फाइबर बिस्किट खाना पसंद करते हैं, लाइक 1-2 चाय के साथ ले लिया एंड दैट्स इनफ फॉर इवनिंग स्नैक्स। हाँ, वीकेंड को समटाइम्स हम कुछ चटपटा बनाते हैं। आप देख रहे हो चाय में उबाल आ रही है, हम 2 से 3 और बॉयल आने का वेट करेंगे, उसके बाद इसमें इलायची डालेंगे। अच्छा सा उबाल आ गया है, अब हम इसमें इलायची डालेंगे और फिर से 1 से 2 उबाल का वेट करेंगे। दामिनी आप तब तक इसको थोड़ा चम्मच से मिक्स कर दो बढ़िया से, ताकि आजू बाजू जो चाय पत्ती लगी है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी मेरी फ्रेंड आपको एक ज्ञान योग्य बात बताएगी, कम ऑन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप जैगरी यूज़ करना चाह रहे हैं चाय में तो जैगरी को कभी भी खौलते हुए मिल्क में ना ऐड करें, अलग से उसे कप में डाल ले। आपको जितना भी मीठा पसंद है 1/2 चम्मच 1 चम्मच पर कप, अच्छे से पक जाए दूध को उतार लो और अलग से उसमें जैगरी पाउडर मिक्स कर लो, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने हमने अभी ऐड किया है। वी विल शो यू।
सो आप देख सकते हो हमने इसमें जैगरी पाउडर डाला है करीबन हाफ टी स्पून, करेक्ट हमने? यस, हम ज्यादा मीठा पसंद नहीं करते एंड इतना ही से फ्लेवर अच्छा आ जाता है। गुड़ चाय अच्छी सी बन गई है। अब दामिनी आप इसको स्ट्रेनर की मदद से चाय को कप में लगा। ये हमारी गर्मा गर्म मसालेदार चाय। सो मैं पी के बताती हूँ दामिनी ने कैसा बनाया है। मुझे पीने दे यार। लेट मी। मुझे ऑसम, बहुत अच्छा बनाया। सो आप प्लीज ट्राई करना ये मसाले चाय। आप चाहो तो सुबह में भी पी सकते हो, शाम में भी पी सकते हो। तो जनरली हम सुबह में ग्रीन टी लेते हैं एंड इवनिंग टाइम में बस ये एक कप मसाले चाय पीते हैं। मसाला ऐड करोगे तो हमें एक्स्ट्रा इम्यूनिटी भी आ जाएगा। और ऐसे अगर कोई बोले कि पानी बॉईल करके मसाले डाल के ऐसा काढ़ा के फॉर्म में पियो तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो क्यों ना ये नया कुछ ट्राई किया जाए। क्या तो आप भी ट्राई करिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा इसका स्वाद। फिर हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।